हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम आपको हर्षद की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक कहानी मैंने कल भी सुनाई थी आप लोगों को, अगर आप लोगों ने सुनी हो तो बताइए कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी। तो चलिए दूसरी कहानी आज मैं शुरू करती हूँ। किसी नगर में एक औरत रहती थी, तो उस औरत के बच्चे जीवित नहीं रहते थे ज़्यादा दिन। जब भी बच्चे पैदा होते, साल भर में ही वो ख़त्म हो जाते थे। जब वह औरत गर्भवती हुई तो उसने सोचा कि मुझे चल कर पता करना चाहिए कि ऐसा क्यों है जो मेरे बच्चे ज़िंदा नहीं रहते हैं। तो वह रूप बदल कर स्वर्ग में गई। तो जिस बच्चे को उसके जन्म लेना था, वह लड़का अपनी भी पत्नी से बातें कर रहा था। उसकी पत्नी ने बोला कि अब की तुम जाओगे तो कितने दिन में आओगे। तो उसने कहा मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। तो बोली कितने दिन में, तो बोला मैं जल्दी आ जाऊँगी, जैसे हर बार आ जाता हूँ उसी तरह से मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो उसने कहा कि कैसे आओगे, क्या बहाना बनाओगे। तो उसने कहा कि जब भादों की झमझम बारिश होगी तो मैं माँ से कहूँगा कि मुझे बालू खेलना है, और बालू नहीं दे पाएंगी तो मैं गुस्सा के चला आऊँगा। तो उसने कहा, पत्नी बोली कि अगर दे दी तो तब कैसे आओगे। तो उसने कहा कि मैं माँ से कहूँगा कि मुझे नाव में जब मामा भैंस का दूध दूह के देगा तब मैं पीऊँगा, वरना मैं नहीं पीऊँगा, और जब ऐसा नहीं होगा तो मैं चला आऊँगा। तो उसने कहा कि अगर ये भी दे दिया तो। तो उसने कहा कि मैं बोलूँगा माँ से कि मुझे चाँद से खेलना है, चाँद निकला नहीं होगा, जब जो है आसमान में बादल होंगे तो मैं माँ से कहूँगा मुझे चाँद से खेलना है। तो चाँद जब निकलेगा नहीं तो मुझे देगी कहाँ से, तो अगर नहीं देगी तो मैं गुस्सा के चलाऊँगा। तो उसकी पत्नी ने बोला कि ठीक है तुम आ जाना, लेकिन आते समय अटरा का सिंदूर लेते आना। तो बोला ठीक है मैं ले आऊँगा। इतने में उसकी नज़र जो है कुतिया पर पड़ गई, तो उसने अपनी खड़ाऊ निकाल कर जो मारी तो वो उस औरत के सर में लग गई, और वो औरत वहाँ से भाग आई। घर आने के बाद उसने खूब बड़े बड़े घड़ों में बालू जो है भर के रख ली, और उसके बाद मामा को बुला लिया, भैंस खरीद ली और लकड़ी की नाव बनवा ली, और उसने एक बड़ा सा चंद्रमा भी बनवा लिया। इतना इंतजाम करने के बाद जब उसके बालक का जन्म हुआ तो थोड़े दिन तो सब सही रहा, और वो जब छोटा था तो कैसे जाता, जब एक साल का हुआ तो एक दिन वो खूब रोने लगा, दूध ही नहीं पी रहा था। तो माँ ने बोला क्या हुआ बेटा, दूध क्यों नहीं पी रहे हो। तो उसने कहा जब मामा मुझे नाव में भैंस का दूध दूह के पिलाएगा तब मैं पीऊँगा, वरना मैं दूध नहीं पीऊँगा। बुढ़िया ने फौरन नाव को जो है नदी में उतरवाई और मामा को भैंस को चढ़ा के दूध निकलवाया, तब उसने दूध पिया। उसके बाद थोड़े दिन वो शांत रहा, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो गई, तो उसको भागने का कोई मौका नहीं मिला, बहाना तो बना नहीं सकता था वो। इसी तरह फिर एक दिन उसने खूब पानी बरस झमाझम पानी बरसा था, तो उसने जो है रोना शुरू किया। अब माँ समझा के ऐसा बेटा क्या हुआ, चुप हो जाओ। बोला मुझे बालू से खेलना है। अब माँ को तो मालूम ही था, वो सुनाई थी सब कुछ, तो उसने जो है खूब बड़े बड़े घड़े अंदर से निकलवाए और कमरे में पलटवा दिए कि लो बेटा खेल लो जी भाई के बालू खेली उसने। अब ये भी उसकी जो है चाल नहीं पूरी हो पाई कि वो जो बहाना बनाने वाला था कि मैं उससे चलाऊँगा, कोई बात नहीं। फिर थोड़े दिन वो रुका रहा। उसके बाद फिर थोड़े दिन बीते और इसी तरह एक दिन उसने फिर खूब रोना शुरू किया कि मुझे चाँद से खेलना है। जब खूब आसमान में बादल छाए थे, चाँद नहीं निकला था। अब उसको क्या पता था कि माँ उससे भी ज़्यादा चतुर है। तो उसने कहा मुझे चाँद से खेलना है। तो माँ ने जो है परात में पानी भरा, उसमें चाँद डाल दिया, बोली लो बेटा खेल लो। अब वो चाँद से भी खेल लिया। फिर अब वो क्या करता, फिर उसके पता नहीं क्या दिमाग में आया, वो भागा जंगल की ओर। जंगल में भागने लगा तो ऐसे भागते भागते माँ उसके पीछे भाग रही थी, वो आगे भाग रहा था। भागते भागते वो घने जंगल में पहुँच गया। वहाँ कुश के बहुत से पेड़ थे, कुश में जिसमें बहुत धार होती है। तो जब पहुँच गया तो माँ के सारे कपड़े फट गए, उस कुश के उसमें लपेट के सारे कपड़े फट गए, माँ के खून बहने लगा। थोड़ा सा बचा कपड़ा तो वो बस लगा के खड़ी हो गई अपने बदन में, कहने लगी बेटा जा तो रहे हो लेकिन बहू के लिए अटा का सिंदूर तो लेते जाओ। तो लड़के ने जब पलट के देखा तो देखा माँ उसकी बिल्कुल निर्वस्त्र खड़ी है, नंगी खड़ी है, और उसके बदन में सारे खून बह रहा है। बस वो लौट आया, उसने माँ को कलेजस लगा लिया, बोला माँ अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, और उसने सिंदूर फेंक दिया। उस दिन से ये कथा हो गई कि जब भी पूजा होती तो कुश का पौधा उसमें पूजा जाता है, और भगवान माता रानी ने हलछट मदानी ने जैसे उनके लड़के को वापस कर दिया वैसे सबके बच्चों को सुखी रखें। धन्यवाद।